Good morning, students. Today we are discussing about energy balance. Unlike many chemical processes, bioprocesses are not particularly energy intensive. ठीक है, एनर्जी बैलेंस मीन्स जो एनर्जी अंदर एकमुलेट हो रही है, जो सिस्टम में एनर्जी असी दे रहे हैं, जो आउटपुट निकल रही है, उस चीज़ में असी किवें बैलेंस करके चलना। एंड लाइक जिवें लास्ट तुसीं मटीरियल बैलेंस पढ़िया सी, सेम इत्थे है कि कहड़े कहड़े फैक्टर्स ने जो एक्चुअल दे विच इस नूं इफेक्ट करदे ने। सो हेयर आर सम बेसिक कंसेप्ट्स और बेसिक एनर्जी डेफिनेशंस: काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। आई थिंक सो कि तुहानू पता होएगा, क्योंकि बहुत छोटी क्लासेस दे विच 8th 9th विच ही तुसीं काइनेटिक एनर्जी वगैरह सब कुछ पढ़ लैंदे हो। इन बेसिक इत्थे की है कि काइनेटिक एनर्जी नूं असीं शो कर रहे हैं ई के। इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाई मूविंग सिस्टम बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी इज़ ड्यू टू पोजिशन ऑफ सिस्टम इन अ ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और ड्यू टू कॉन्फर्मेशन ऑफ द सिस्टम रिलेटिव टू एन इक्विलिब्रियम पोजिशन। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल मॉलिकुलर एटॉमिक एंड सब एटॉमिक एनर्जीज ऑफ द मैटर। व्हाट इज अ हीट? हीट इज एनर्जी विच फ्लोज अक्रॉस सिस्टम बाउंड्रीज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। यू नो वट इज़ द सिस्टम एंड वट इज सराउंडिंग? सिस्टम जिसके बारे असं गल कर रहे हैं, जिससे असं किसी चीज़ को लाइक जिसका असं मटीरियल बैलेंस करना है, एनर्जी बैलेंस करनी है, मास ट्रांसफर करना या हीट ट्रांसफर करना, जो साडा टारगेट है, वी कॉल्ड इट एज अ सिस्टम। एंड जो आउटसाइड है एंड जो आउटर एनवायरमेंट है, वी कॉल्ड इट एज अ सराउंडिंग। ठीक है, सो जिवें हुण अगर बायोप्रोसेस चल रही है, मीनस फर्मेंटेशन हो रही है, अंदर एजिटेशन हो रही है, एजिटेशन एरिएशन चल रहा है, उस करके हीट या एनर्जी कमुलेट हो रही है। दैन टेंपरेचर असी बाहरों भी देंदे हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नूं एप्रोप्रिएट टेंपरेचर प्रोवाइड करवाते ताकि प्रॉपरली ग्रो करे, दैन साडा प्रोडक्ट बनेगा। सो हीट क्या है? इज एनर्जी विच फ्लोज अक्रॉस सिस्टम बाउंड्रीज बिकॉज ऑफ टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। जिवें दे विच तुसी पढ़िया होएगा की सी ओह टॉपिक अपना हीट ट्रांसफर दे विच, असी अगर स्टरलाइजेशन जिवें करनी है फोमेंटो वैसल दी या मीडिया दी, तो उत्थे की करदे आं आपां, एक हॉट एक कोल्ड बॉडी हुंदी है, पाइप्स दे विचों आपां हॉट वाटर पास करदे ते एक विच असी मीडियम पास करदे आं, बट उत्थे की हुंदा है हीट डिफरेंस करके हीट ट्रांसफर हुंदी है फ्रॉम कोल्ड टू सॉरी हॉट टू कोल्ड बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट की आ रहा है, वर्क इज एनर्जी ट्रांसफर एज अ रिजल्ट ऑफ एनी ड्राइविंग फोर्स अदर देन द टेम्परेचर डिफरेंस। देर आर टू टाइप्स ऑफ शाफ्ट वर्क, एक तो WS शाफ्ट वर्क हुंदा, एक हुंदा फ्लो वर्क। इट इज़ डन बाय द मूविंग पार्ट विद इन द सिस्टम। जो मूविंग पार्ट विद इन द सिस्टम हुंदे ओ हो गया शाफ्ट वर्क एंड इम्पेलर मिक्सिंग ऑफ फर्मेंटेशन ब्रॉथ। एंड नेक्स्ट की है फ्लो वर्क। फ्लो वर्क इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुश मैटर इन टू द सिस्टम। जो शाफ्ट वर्क से कहना जिमें फॉर एग्जाम्पल उसने की कहता किसी एक जिमें इंपैलरस दे विच असी मिक्सिंग दे लिए असी इंपैलरस नो यूज़ करते हो, शाफ्ट वर्क हो गया। फ्लो वर्क की होया कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड है टू पुश मैटर इन टू द सिस्टम। ठीक है, उस तो बाद कहना इन अ फ्लो थ्रू प्रोसेस फ्लूड एट द इनलेट हैज़ वर्क डन ऑन इट बाय फ्लूड जस्ट आउटसाइड ऑफ द सिस्टम वाइल फ्लूड एट द आउटसाइड डजंट वर्क ऑन द फ्लूड इन फ्रंट ऑफ टू पुश द फ्लो अलॉन्ग। फ्लो वर्क इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। जो फ्लो वर्क है दैट वी कॉल्ड इट एज अ WF इज इक्वल्स टू PV। हेयर पी इज अ प्रेशर एंड वी इज अ वॉल्यूम। देन देर आर सम यूनिट्स, SI यूनिट फॉर एनर्जी है जूल, अनदर यूनिट फॉर एनर्जी है कैलोरीज। ये सारी यूनिट्स भी थोड़ी याद करनी पैनगियाँ। रीजन बिहाइंड इट जिमें मटीरियल बैलेंस के नमेरिकल सॉल्व किया सेम इतें भी करना, तो सूँ SI और अनदर यूनिट्स का पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी तुम नमेरिकल सॉल्व करना तो सानू जो यूनिट्स हैं वह हमेशा एक कैटेगरी रखनिया पैदा, दैन ही सही कैलकुलेशन होंगी है। या तो SI चूज करना पैंता या अनदर वे, बट वह सेम होनी चाहिए सारिया। दैन देयर आर सम इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर फॉल इन टू टू कैटेगरीज, सम आर इंटेंसिव एंड अदर आर एक्सटेंसिव। जो इंटेंसिव होंगी ओ प्रॉपर्टीज या ओ क्वांटिटीज जो मैगनीट्यूड तो सॉरी
The magnitude depends on quantity of matter present and those whose magnitude doesn't. जिमें temperature है, density है, ठीक है, उस तो बाद molecular fraction है, are examples of properties which are independent of size of the system. ठीक है, तो ये properties नो सी intensive बोले हैं, जो other side mass है, volume है, energy है, we called it as a extensive properties or extensive variables. जो first है, these are intensive variables. Then on the enthalpy. Enthalpy is a property used frequently in energy balance equation. It is defined as the combination of two energy terms. H is equals to U plus PV. Here H is the enthalpy, U is the internal energy, P is the pressure and V is the total volume. ठीक है, इन सिंप्लीफाई स्पेसिफिक एंथैल्पी जो है उसको असी स्मॉल एच नाल भी डोनेट कर दिया, वी डोनेट इट एज स्मॉल एच इज इक्वल्स टू स्मॉल यू प्लस पी वी, मतलब शब्द वही है, यू क्या है इंटरनल एनर्जी, वी इज द वॉल्यूम, पी इज द प्रेशर. देन जनरल एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, अगर असी थोरेटिकल देखिए तो जनरल एनर्जी बैलेंस इक्वेशन इज एनर्जी इन थ्रू सिस्टम बाउंड्री, जो अंदर गई एनर्जी माइनस जो बाहर आई इज इक्वल्स टू टोटल एकमुलेटेड, कि कितनी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज टोटल एकमुलेटेड विद इन द सिस्टम. और जदों असी इस इक्वेशन नू दूसरा नंबर्स दी फॉर्म च लिखते हैं, दैन वी कॉल इट एज एम आई. एम आई इज द मास एंटर्स विद इन द सिस्टम, एम नॉट माइनस करता असी जो अंदर पाया सिस्टम मास उस तो दूसरा जो कढ़िया उसको माइनस कर देना, ठीक है, हीट माइनस कर देनी, प्लस कर देना डब्ल्यू एस शाफ्ट वर्क, दैट इज इक्वल्स टू टोटल डेल्टा ई. डेल्टा ई इज अ चेंज इन एंथैल्पी, किन्ना एक्चुअल दे विच अंदर एनर्जी या हीट एंथैल्पी दे विच चेंज आया, वो इन्ने सारे फैक्टर्स नू नाल लेके चलता है, दैन थानू लास्ट दे विच ओदा आंसर मिला. एम आई इज मास विच इज एंटर विद इन द सिस्टम, यू जो अंदर एंटर होया सिस्टम उसकी इंटरनल एनर्जी, ई के इज कनेटिक एनर्जी, ई पी इज पोटेंशियल एनर्जी, पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, सारे ने उसने आई लिखता क्योंकि जो अंदर एंटर हो रहा है, माइनस क्यों करता एम नॉट, द मास विच लीव्स द सिस्टम, यू इज अगेन अगेन इंटरनल एनर्जी, ई के इज काइनेटिक एनर्जी, ई पी इज पोटेंशियल एनर्जी, पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, नॉट इज फॉर लीविंग द सिस्टम, माइनस क्यू इज इन हीट, ठीक है, डब्ल्यू एस जो प्लस हुआ दैट इज शाफ्ट वर्क इज इक्वल्स टू डेल्टा ई. ठीक है, उस तो बाद नाउ असी की करता समेशन, प्लस करते हैं सारिया वैल्यूज नू, समेशन ऑफ इनपुट स्ट्रीम, समेशन ऑफ आउटपुट स्ट्रीम. समेशन मीन्स सम अप. ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी. सो जी ए इक्वेशन सी असी इसनों सिंपल फॉर्म च लिख सकते, इतने यू भी लिखा हुआ, पी भी लिखा हुआ, यू प्लस पी वी इज इक्वल्स टू एच, जो तुसी इनिशियली भी पढ़िया से तुसी एंथैल्पी दी डेफिनेशन की है. ठीक है, सो इसनों असी चेंज करके लिखता, समेशन एम एच प्लस ई के प्लस ई पी माइनस समेशन एम आउटपुट स्ट्रीम एच प्लस ई के प्लस ई पी माइनस क्यू प्लस डब्ल्यू एस इज इक्वल्स टू डेल्टा ई. नाउ हेयर आर सम, अगर असी ओवरऑल जी इक्वेशन थोड़े को हूँ तक आई है, अगर उस स्पेशल केसिज अप्लाई कर दें जो कंडीशन अंदर होने के चांसिज ने. फस्ट की है, कहना अगर कैनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर निगलिजिबल, निगलिजिबल मीनस नीयर अबाउट और वी कैन से जीरो, जदों ई के और ई पी इतों जीरो हो जाएंगे दैन इक्वेशन सिंपलीफाई हो जाएगी, ई एम एच माइनस ई एम एच माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू एस इज इक्वल्स टू डेल्टा ई. ठीक है, इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम लिखना नहीं भुलना, जो डिफरेंशिएट करता अदरवाइज सारा सेम ही लगता देखने. ठीक है, सो अगर कहना स्टडी स्टेट आ, जो स्टडी स्टेट मीनस देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी, दैन सारी इधर वाली इक्वेशन सेम रहेगी, इधर आ जाएगा जीरो. ये प्रॉपर सारा तुसी सॉल्व करके देख लेना, जो तुसी नोट्स पढ़ोगे चंगी तरह लिख के देख लियो,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗਾ। ਅਗਰ ਕੁਛ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਉਸਨੇ ਐਡਿਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਤੀ, ਜਿਸ ਕੀ ਹੈ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਹੀਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਮੀਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਇਨਥੈਲਪੀ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਫਸਟ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਟੇਟਸ, ਦੈਨ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਟ ਵਨ ਟੂ ਸਟੇਟ ਟੂ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਨਥੈਲਪੀ ਜਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੈ ਐਂਡ ਜੋ ਐਂਡ 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਨਥੈਲਪੀ ਐਚ ਅਪੀਅਰਸ ਇਨ ਐਨਰਜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ, ਵਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਚ ਡੂ ਵੀ ਯੂਜ ਇਨ ਦੀਜ ਕੁਆਂਟਿਟੀਜ਼ ਇਫ ਐਨਥੈਲਪੀ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਮਈਅਰਡ ਔਰ ਨੋਨ ਟੂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਟਰਮਸ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਐਨਥੈਲਪੀ ਬਿਟਵੀਨ ਇਨਕਮਿੰਗ ਐਂਡ ਆਊਟਕਮਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਮਸ, ਵੀ ਕੈਨ ਆਊਟਵੇਟ ਐਨੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਬਾਏ ਵਰਕਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਐਨਥੈਲਪੀ ਚੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਐਚ ਵਨ ਮਾਈਨਸ ਐਚ ਰੈਫਰੈਂਸ, ਕਿੰਨੀ ਇਨੀਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਥੈਲਪੀ ਸੀ, ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ ਜਨਰਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਐਚ ਟੂ ਓ ਟੂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਸੋਰੀ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਓ ਟੂ ਪਲੱਸ ਐਚ ਟੂ ਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ 35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਐਚ ਟੂ ਓ ਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਓ ਟੂ ਪਲੱਸ ਐਚ ਟੂ ਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ। ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਕਿਆ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਇਨਥੈਲਪੀ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ, ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਚ ਟੂ ਓ ਟੂ ਉਹ ਓ ਟੂ ਪਲੱਸ ਐਚ ਟੂ ਓ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਪਾਥ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭ ਇਨਥੈਲਪੀ ਚੇਂਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮ ਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਆਉਂਦਾ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਐਕਚੁਅਲ ਪਾਥ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਡੈਲਟਾ ਐਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਲਟਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਵਨ ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਟੂ ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਥ੍ਰੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, 35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਕੂਲ ਰਿਐਕਟੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਇਆ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਨਰਜੀ ਆਇਆ, ਐਨਥੈਲਪੀ ਐਚ ਟੂ ਓ ਟੂ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓ ਟੂ ਪਲੱਸ ਐਚ ਟੂ ਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਾਊਨ ਹੋ ਕੇ ਕੂਲ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਐਕਚੁਅਲ ਉਸਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੈਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਨਥੈਲਪੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੋਨ ਰਿਐਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਐਨਥੈਲਪੀ ਚੇਂਜ ਜੋ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਨਥੈਲਪੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਆਫ ਫੇਜ਼ ਮਿਕਸਚਰ ਔਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਰ ਐਨਰਜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਓਗੇ, ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੰਪਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੋਲਵਡ ਨੁਮੈਰੀਕਲਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਦਇਨ 1 ਔਰ 2 ਡੇਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨੋਂ ਟੋਪਿਕਸ ਆ, ਮਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੈਲੈਂਸ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਬੈਲੈਂਸ, ਦੋਨੋਂ ਟੋਪਿਕਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਊਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਬੇਟਾ, ਅਗਰ ਕੁਛ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।